गणेश आचार्य पर भड़की सरोज खान, पैसों का वादा करके डांसर्स को ठग रहा है। बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य बीते दिन चर्चा में है। खबरें थी कि उन्होंने ऑल इंडिया फिल्म टेलीविजन एंड इवेंट्स डांसर्स एसोसिएशन नाम से एक एसोसिएशन बनाई है, इसे लेकर CDA चिंतित है। अब इस मुद्दे पर सरोज खान ने खुलकर बात की है। सरोज खान ने दावा किया है कि गणेश ने एक नई एसोसिएशन बना ली है। मुंबई मिरर से बातचीत में सरोज खान ने कहा, गणेश अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर डांसर्स को मैनिपुलेट कर रहा है और पुरानी एसोसिएशन की छवि खराब कर रहा है। CDA को बदनाम कर रहा गणेश आचार्य। आगे सरोज खान ने कहा, CDA की 1955 में स्थापना हुई। CDA ने रेमो डिसूजा और अहमद खान जैसे डांसर्स इंडस्ट्री को दिए हैं। यहां तक कि गणेश और उनके पापा भी इसका हिस्सा रहे हैं। अपनी जड़ों का बॉयकट करते हुए एक नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना धोखा है। गणेश पूरी इंडस्ट्री में CDA को बदनाम कर रहा है और ज्यादा पैसों का वादा करके अपने डांसर्स को ठग रहा है। वो डांस कम्युनिटी को तोड़ रहा है। नए एसोसिएशन में गणेश के अपने लोग हैं। इस पर आचार्य ने पोर्टल से कहा, मैं AIFTEDA उद्घाटन के समय उपस्थित था क्योंकि डांसर्स ने मुझे इनवाइट किया था। यहां तक कि वो CDA में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन निष्पक्ष चुनाव और अगर उचित वेतन मिलेगा तब। गणेश ने आगे कहा, CDA को 6 महीने पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन 3 महीने पहले जाहिद शेख, डेरिक विश्वास, अल फहीम सुरानी और रवि कंवर ने कोर्ट के आदेश दिखाए बिना इसे फिर से खोल दिया है और बिना चुनाव के सभी पोस्ट को फील कर दिया। और अब वो डांसर्स पर फिर से एसोसिएशन में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहे हैं।